हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, नाउ टॉपिक स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमिक ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लाइव टेस्ट को। आज के लाइव टेस्ट में हम देखने वाले हैं ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आपका NTPC का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे SSC का हो, चाहे आपका किसी भी स्टेट पुलिस का एग्जाम हो, आप सभी को पता है कि ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और ये एकदम बिल्कुल न्यू लिस्ट है, जो 2019 में जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं किसी भी कंपनी के, वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा, अपने जितने भी ग्रुप हैं उनमें जरूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करनी है। और डेली मैं आपके लिए ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ना दोस्तों, रात के 9 बजे मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, इस टाइम को नोट कर लीजिए और इस वीडियो को डेली देखना स्टार्ट करिए। ठीक है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, एक भी दिन इस वीडियो को देखते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कल की वीडियो से एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो का क्वेश्चन है, भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पेमेंट कंपनी वीज़ा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो जल्दी से आंसर बता दीजिए दोस्तों। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे सही आंसर क्या रहने वाला है, बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है PV Sindhu, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अगर मैं बात करूँ वीज़ा कंपनी की, जो पेमेंट कंपनी वीज़ा है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1958 में, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बस इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान। तो सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। और वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद में मुझे बताइएगा कि इन 40 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए। और बिल्कुल सही सही बताना है, किसी को भी झूठ कुछ नहीं बोलना है, पूरा वीडियो को देखेंगे तभी बता पाओगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए। और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, थोड़ा सा, अरे जितनी मेहनत मैं करता हूँ ना, अगर आप इतनी भी कर ले तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। जितनी हमारी पूरी टीम वर्क कर रही है, अगर आप उतना भी वर्क कर ले तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हम वही चीज़ पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, चलिए ज़्यादा चीज़ें ना बोलता हुआ मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन रखता हूँ, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। बट आपको थोड़ा सा इसलिए समझाना पड़ता है क्योंकि कुछ बच्चे आते हैं, 2-3 क्वेश्चन देखते हैं और चले जाते हैं, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 3 है, फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए, भारत पे के सलमान खान है और फोन पे के कौन है, आमिर खान है। ठीक है दोस्तों, दोनों के अलग अलग हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप के गुडविल एम्बेसडर कौन बने? जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल मिताली राज इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर आपने ए चूज किया होगा, आई होप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, हीरो मोटर कोप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? बिल्कुल येरी मीना इसका सही आंसर रहेगा। और आप अगर इस वीडियो को कम से कम भी 2-3 बार देख लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, जो कि एग्जाम में अगर आप देख लेंगे किसी भी क्वेश्चन को तो 1 सेकंड में आंसर लगा लेंगे। तो जब भी टाइम मिले दूसरी बार भी वीडियो को रिपीट करके देख लेना, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फैंटेसी 11 का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? फैंटेसी 11 एक ऐप है दोस्तों, और इसका सही आंसर रहेगा, बिल्कुल मुरली कार्तिक इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं बता दूं गाइस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी घर पे बैठ के कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ऑनलाइन कोचिंग है। जैसे आपकी ऑफलाइन कोचिंग होती है, ये वैसी ही ऑनलाइन कोचिंग है। अच्छा, आप इसमें एनरोल कैसे कर सकते हैं, कैसे आप इस कोचिंग को ले सकते हैं? आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है,
जब आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें आप जस्ट छोटा सा एक लॉगिन करने का प्रोसेस होता है, उसको प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करते हैं। गोल यानी कि अपना टारगेट किस एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं। जैसे मैंने रेलवे एग्ज़ाम सेलेक्ट किया, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। आपको कितने मंथ का ये जो है पैकेज लेना है ये आपको देखना है, तो 3 मंथ या 6 मंथ कितने मंथ का लेना है आपको उस पर क्लिक कर लेना है। 12 मंथ का लेंगे तो मंथली और कम पड़ जाएगा, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जब भी आप इस कोर्स को ले रहे होंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि एंटर रेफरल कोड, आपके पास कोई रेफरल कोड है क्या जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे की, चाहे SSC की, चाहे आप बैंक की, चाहे UPSC की, और कोई भी कोर्स आप परचेज़ कर सकते हैं जस्ट Saurabh11 कोड यूज़ करके। और इसमें आपको हर एक कोर्स में 10% का डिस्काउंट मिलता रहेगा। जितने भी आपके 10% का डिस्काउंट होगा, मान लीजिए 2000 का आपका कोर्स है तो आपको 1800 में मिल जाएगा, 3000 का है तो 2700 में मिल जाएगा, यानी कि 10% का डिस्काउंट आपका हो जाएगा। जब Saurabh11 आप कोड भरेंगे तो इसके अप्लाई के बटन पर भी क्लिक करना होगा, उसके बाद प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करके आप अपने डेबिट यानी कि ATM कार्ड से या Paytm से किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर किसी को प्रोसेस समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी जाके मैं आपको ये चीज़ें समझा सकता हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, मालबार गोल्ड एंड डायमंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर। बिल्कुल अनिल कपूर इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, तो सही आंसर आप ऑप्शन बी चूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेप्सिको एंड लेज चिप्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। बिल्कुल सही, तो यह बनाया गया रणवीर कपूर और आलिया भट्ट को, तो सही आंसर आप ऑप्शन सी चूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, कल्ट स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। बिल्कुल सही दोस्तों, सही आंसर क्या रहेगा, जसप्रीत बुमराह। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे दोस्तों, बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य इम्यूनाइज्ड इंडिया कैंपेन की एम्बेसडर बनी, कौन बनी है दोस्तों जल्दी से बता दीजिए। देखिए इसमें कोई भी सही आंसर नहीं है, ठीक है ना, तो यहां पे बनी कौन है, करीना कपूर। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, करीना कपूर, तो ये आपको याद रखना है, इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में कोई भी अगर आंसर नहीं है तो आप तब भी आंसर लगा देते हैं, तो उसमें आपको या तो डी ऑप्शन मिलेगा कि इनमें से कोई नहीं, वो आपको चूज करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत किसे बनाया गया था। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी थी और ये बनाया गया था गौरी सावंत को। ठीक है, तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। वीडियो पसंद आ रही है एक बार मेरे को बता दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है जब आप वीडियो को सपोर्ट करते हैं या फिर अच्छे कमेंट करते हैं या फिर वीडियो को शेयर करते हैं, तो प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टॉपिक स्टडी को। पूरी टीम जब से हमने लगाई है आपका सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है दोस्तों, तो अगर आप थोड़ा भी सोचते हैं टॉपिक स्टडी के बारे में तो शेयर बिना सोचे कर दिया करें, क्योंकि आपके लिए पूरी टीम मेहनत कर रही है तो आपको भी थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी शेयर करने के लिए। ठीक है, सबकी वीडियो शेयर करनी चाहिए आपको, जितने भी टीचर हमारे चैनल पे लगे हुए हैं सब आपके लिए मेहनत करते हैं, और मेरी भी वीडियो को शेयर करिए, औरों की भी वीडियो को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, देखिए टीचर जितने भी हैं वो सब आपके लिए मेहनत करते हैं, तो सबको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, SBI के योनो ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, योनो ऐप का, तो इसका सही आंसर रहेगा, बिल्कुल सपना बर्मन को, तो सही आंसर दोस्तों सी रहेगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हेवल्स इंडिया ने मेंस ग्रूमिंग उत्पाद के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिल्कुल विक्की कौशल, तो सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स टीम के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, जल्दी से बता दीजिए, शेन वॉर्न को बनाया गया, तो सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रमंडल ने शिक्षा के लिए अपना सद्भावना राजदूत किसे बनाया। सही आंसर रहेगा दोस्तों, कार्तियानी को, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है प्यारे दोस्तों,
चले नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेप्सिको के कुरकुरे का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तापसी पन्नू। ठीक है, तो सही आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग में यूपी योद्धा टीम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएंगे। बहुत मतलब क्वेश्चन जितने भी लेके आता हूँ ना, कई बार सोचता हूँ उस क्वेश्चन के बारे में तब एक क्वेश्चन को चूज करता हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान दिया करें कि क्वेश्चन ईजी और उनको इस तरीके से जज मत किया करें, ठीक है ना। तो गौतम गंभीर इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि पिछले कई साल से देख रहा हूँ कि रेलवे के एग्जाम में क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीग्राम रॉयल स्टेज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? जसप्रीत बुमराह। वेरी गुड गाइस, ऑप्शन सी आपका जा रहा है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऐसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो टाइगर श्रॉफ। वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, निम्न में से कौन मेसी फर्गुसन ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बने? मेसी फर्गुसन एक ट्रैक्टर होता है, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार। वेरी गुड गाइज, बहुत अच्छे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान ने भारत में किसे अपना सांस्कृतिक राजदूत बनाया? तो सही आंसर रहेगा रितु बेरी को। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भाई मजा आ गया, आपके भी आंसर सही जा रहे हैं, इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वदेशी लोगों के लिए यूनेस्को की सद्भावना राजदूत कौन बने? यालितजा अपरेशियो, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? बिल्कुल ये बने हैं, ये बनी है शिल्पा अग्रवाल, और ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको करा चुका हूँ करंट अफेयर की वीडियो में भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 है, प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है मैरी कॉम, तो सही आंसर आप ऑप्शन बी लगाएंगे। वेरी गुड गाइज, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मान्यवर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? कार्तिक आर्यन। वेरी गुड, सही आंसर रहेगा कार्तिक आर्यन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिमालय मन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? हिमालय मन नहीं होगा, मेन होगा, हिमालय मेन। ठीक है, किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया दोस्तों? इसका सही आंसर रहेगा विराट कोहली और ऋषभ पंत को। ठीक है, तो सही आंसर आप ऑप्शन बी चूज करेंगे। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, योग को बढ़ावा देने के लिए गोवा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों छोटी थोड़े क्वेश्चन और रह गए, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बस थोड़ी देर और रुक जाइए, वीडियो को देखते रहिए बस। ठीक है, सही आंसर क्या रहेगा? निर्मता मेनन, बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसे JBL एयरफोन का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? देखिए इनमें से तो कोई भी आंसर नहीं है, तो सही आंसर क्या रहेगा? रणवीर सिंह इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, रणवीर सिंह, तो कई बार मैंने बताया ना, कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको कोई ना कोई आंसर लगाना है, जो क्या बोलते हैं तुक्का लगाते हैं वो कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं, तो तुक्का नहीं लगाना है गाइस। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, PNB मेट लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? PNB मेट लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है PV सिंधु को, तो सही आंसर आप ऑप्शन ए लगाने वाले हैं। नेक्स्ट है, PolicyX.com के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है वीरेंद्र सहवाग को, तो सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा गाइस। नेक्स्ट है, अपोलो टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये,
बिल्कुल अपोलो टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। इसका सही आंसर रहेगा सचिन तेंदुलकर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गो डैडी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? गो डैडी एक कंपनी है जहां से हम डोमेन परचेज करते हैं किसी भी वेबसाइट का, तो इसका सही आंसर रहेगा MS धोनी। ठीक है, और MS धोनी इसका सही आंसर रहेगा। और MS धोनी दोस्तों ड्रीम 11 ऐप के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, रेड बस के भी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, GS कैटलेक्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ये बनाया गया शिखर धवन को। तो सही आंसर आप ऑप्शन डी चूज करने वाले हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोबाइल इंडिया, ये मोबाइल इंडिया होगा MOBIL। ठीक है, इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये बनाए गए हैं दोस्तों बजरंग पूनिया को। तो सही आंसर आपको ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेप्सिको स्पोर्ट ड्रिंक गेटोरॉयड की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? हिमा दास। वेरी गुड, हिमा दास इज द राइट आंसर। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? बिल्कुल मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, सही है भाई, अच्छा लग रहा है ना? फटाफट मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जल शक्ति अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो जल शक्ति अभियान के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों बने हैं आमिर खान। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है प्यारे दोस्तों, मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं गोविंद दा। बिल्कुल सही, गोविंद दा बने हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, रिबोक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रिबोक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बिल्कुल कैटरीना कैफ और वरुण धवन, यानी कि उपरोक्त दोनों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, मिशन शक्ति कैंपेन में किसे स्वस्थ राजदूत बनाया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सही आंसर रहेगा महात्मा गांधी। तो ऑप्शन सी आप चूज करेंगे दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन